अशफाक अली। अशफाक, ये आपके आँख में कैसे लगी? 26 तारीख की रात को शाहिद भाई को और मुझे मन्नान का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया हमें कि छोटे भाई से तुम्हारी लड़ाई हुई है, भाई आके समझा लो उन्हें। हम जैसे ही आए पीछे से हमारे पीछे आए और उन्होंने हम पे सीधा हमला कर दिया और सीधा गोलीबारी चालू है भाई साहब। बहुत ज़्यादा गोली चली है, बहुत ज़्यादा गोली चलाई है उन्होंने। ये गोली क्यों चली और ये मन्नान कौन है? मन्नान 27 ब्लॉक का लड़का है। उसकी पूरी फैमिली ने, इस परिवार ने पूरा हमला किया हम पे, शाहिद भाई मुझ पे, शाहिद भाई के भाइयों पे। ऐसा क्या कारण रहा? छोटे भाई की कहा सुनी हुई बस। अच्छा, आपसी पारिवारिक विवाद रहे? छोटा मोटा चलता रहता छोटे भाइयों में, ठीक है, बात इतनी बड़ी नहीं थी। अच्छा, ये तीनों ने बढ़ा दी। ओके, आपको जब ये लगी तो आपने पुलिस कॉल करी, पुलिस कितने समय में आई? पुलिस बहुत लेट आई थी। पुलिस ने कार्रवाई करी? चल रही है पुलिस कार्रवाई, लेकिन जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं चल रही है पुलिस कार्रवाई। अच्छा, मोहसिन, आप उस दरमियान शाहिद के साथ थे जब ये घटना घटी है? क्योंकि खबरों के अनुसार जब शाहिद को गोली लगी है तो आप उसके साथ थे? जी, मैं साथ था। तो क्या रहा उस वक्त, ऐसा माहौल, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में। जी, ऐसा था कि क्या नाम है, हमारे जो भाई थे वो हमें अंदर ले गए थे। सबको अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने बोला कि बेटा तुम अंदर हो जाओ, गोली चल रही है। तो मैंने उन्हें रोका, तो भाई ने भी उन्हें रोका कि रहने दो, ऐसा मत करो। उन्होंने भाई के वहीं गोली मारी और उसके बाद में भी वो गोलीबारी करते रहे बहुत देर तक। भाई ने हाथ भी जोड़े, हमने भी जोड़े, भाई चले जाओ यहाँ से। उनका कोई पहली बार का नहीं है ये वाकिया, ये पहले भी बहुत कर चुके हैं। और उसका काम ये नहीं है, अभी उनने खिचड़ीपुर में भी गोलियां चलाई थी। ये उसका परिवार से ही पहले भी रंजिशें रही हैं या ये पहली बार रहा है? ये बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन उसका काम क्या है, उसकी बदमाशी करने का काम है। वो सोचता है कि मैं बदमाश इंटरनेशनल डॉन बनना चाहता हूँ मैं, ये दिल्ली पुलिस, ये मन्नान जो है ये यही चाहता है, बदमाशों को पना देता है यहाँ पे। जितने भी बदमाश आते हैं सबको पना देता है वो यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी आते हैं उनको अपने पास रखता है। मेरठ के, सीलमपुर, जाफराबाद के, जितने भी जहाँ जाके बदमाश आते हैं सबको अपने पास रखता है, बुला लेता है। और बाहर के बदमाश भी बुला रखे थे उसने। उसका काम यही है, जितने भी लोग हैं आते हैं उसके पास, उसका काम यही है कि उसे बस बदमाशी करनी है, लोगों के मकानों पर कब्जा करना, उसका काम यही है। 36 में उनने कब्जा किया, मैं हूँ गवाह उसमें। 27 में कब्जे किए उनने, 18 में कब्जे किए उसमें। कोई कुछ नहीं बोलता, डरती है पब्लिक। अब एक बार बताओ, कारोबारी आदमी लड़ेगा या क्या नाम है, अपने काम धंधे देखेगा? ये उसकी बदमाशी है, गोली मार देगा वो तो। मार दी, देखो मार दिया मेरे भाई को उसने। ये बताओ, कारोबारी आदमी लड़ेगा क्या? अरे सब बोलो ना, बताओ। पुलिस नहीं सुनती, और पुलिस तो उसकी है, पुलिस मुर्गा देती है उसको, वो पुलिस को मुर्गे देता है, वो दारू भिजवाता है पुलिस को, बंडल भिजवाता है, तो पुलिस तो उसकी तरफ ही रहती है। हमारी गरीबों की थोड़ी ना सुनेगी पुलिस, और अभी भी उसकी सुनेगी कैसे भी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। बताओ, पैसा पहुंच चुका है थाने के अंदर, और इतना पैसा पहुंच चुका है, बताओ, बहुत ही ज्यादा। खुल्ला घूम रहे वो जमाल वमाल सब घूम रहे खुल्ला, किसी को कोई पुलिस पकड़ नहीं रही। हमें इंसाफ दिया जाए, बताओ। इसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा बड़ा भाई था, जो बताओ भाई, मेरा बड़ा भाई था, ये मेरा छोटा भाई है। यार पुलिस चाहेगी भाई पकड़ नहीं सकती क्या सबको? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस ने पैसा खा लिया है, और इतना पैसा खा लिया है। हमें सिर्फ कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ना हमारे साथ कोई इंसाफ हो रहा, ना ही कुछ हो रहा, ना कोई बयान। हमारे हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले बस, हम और कुछ, हमारा भाई तो चला गया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। तो इम्तियाज, ये जो गोली के निशान है आपको भी लगे हैं, कैसे लगे आप? सर, हम जब यहाँ पे हम आए तो देखे कि यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, मैंने कहा सुनी हो रहा था, ज्यादा नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक ये पूरे परिवार आ गए, इसमें 5-6 लोग हैं जो जिनका मैं नाम जानता हूँ, उसके अलावा नहीं जानता हूँ मैं। उसमें मन्नान थे और जावेद था, इदरीस थे और उनके भैया थे, फैसल भी थे, ये सब, और भी 2-4 बाहर के भी जो लड़के थे वो लोग भी गोली चला रहे थे। जब हमने देखे तो हम लोग उस टाइम कोऑपरेट करना चाह रहे थे, जब हमने नहीं, हमको बर्दाश्त हुआ तो हम लोग गली से भागने लगे। उस चक्कर भागने के चक्कर में मुझे ये गोली लगी। तो क्या ये जो लड़के जिनके आप नाम ले रहे हैं, हाँ जी, वो लोग यहाँ के दबंग हैं? दबंग हैं यहाँ के, यहाँ के दबंग हैं। मेरा नाम सईद है। बाबा, क्या घटना घटी उस दिन? ऐसा उस दिन घटना ये घटी जनाब के हम जो है अपने बच्चों को यहाँ रोक खड़े थे, मेरी इधर को पीट हो रही थी इन गली की तरफ को, तो मैं अपने बच्चों को पीछे को सरका रहा था, मेरे यहाँ दोनों लड़के खड़े थे, अपने बच्चों को समझा के मैं अंदर कर रहा था, लेकिन इतने समझाने पर पीछे से आदमी आए गोली चलाते हुए, धड़ा धड़ और आन के नहीं है, गली से उरे माँ आन के,
फिर एक घर छोड़कर यहाँ तक वो लोग आ गए और आने के बाद में लाइन तार से खड़े थे और धड़ाधड़ गोली चले, यही पता नहीं था कि सुर्री पटाखे छूट रहे हैं या गोलियां छूट रही हैं, जो भी कुछ था उसमें करीबन 20 से 25 आदमी हैं। क्या नाम है उनके? नाम मैंने FIR में लिख के दे दिए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको जानता हूँ उन्हें FIR में लिख के दे दिया है। दूसरी बात यह है कि जो पीछे मौजूद खड़े हैं और जो अगड्डे पे हैं उनके नाम मैंने लिख के दे दिए हैं, और जो पीछे खड़े हैं उन्हें मैं पहली बार देखे हैं, अगर सामने आएंगे तो मैं पहचानूंगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जब गोली चल रही है, चलते वक्त मेरे बच्चे ने आवाज़ दिया जावेद को कि तैने मुझे इसी ने बुलाया है गोली चलाने के लिए, तो उधर से आवाज़ ये आई कि चलो ठीक है, तो मेरा बच्चा नीचे को उतर के आ गया, बेफिक्र हो गया, और बेफिक्र होने के बाद में फिर जावेद ने और जमाल ने और मन्नान से कहा कि भाई इसकी तो तलाश में ही है, मार दे बहनचोद को। मन्नान के अल्फाज इन्होंने कहा, चलो ठीक है। अब उसके बाद में वो जो उसके भड़ाक से गोली यहाँ लगी है पेट में, 315 की गोली है मेरे सामने चला, और जो बाकी लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि प्रशासन ने भी या जो जिनकी बीट वाले हैं उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं करा। इसमें ज़्यादा जो हिस्सा ले रहे, जो पुलिस को पैसा पहुंच गया उसमें ज़्यादा जो हिस्सा ले रहे मनोज तिवारी, बलबीर और SHO साहब, उनको पता हो या ना हो या शामिल हों या ना हो, इन दो जने तो ये क्लियर हैं ही हैं, और जो इनके सहयोग में होंगे वो अलग हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं तो भी पुलिस कर्मी है बीट में तैनात, पुलिस वाले हैं, उन्हें सबकी जानकारी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर भी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसमें कि ये है कि वो जब यहाँ खड़े हैं आधे पौन घंटे, यहाँ आधे घंटे पौन घंटे गोली चली है, और गोली चलने के बाद में जब मैं 100 नंबर को भी कॉल करा, मेरे घर से भी कॉल हुआ, मैं कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहे, कोई मतलब ही नहीं। गली से भी बहुत कॉल हुई है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई भी हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे। उनके डर की वजह से इतने आदमी थे, और जो इसमें का जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे भी लगी हुई है, ये हाथ में भी लगी, यहाँ भी सिर में 3-4 छर्रे हैं, और कमर पे तो मेरी पे बहुत है, पूरे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं मिली जनाब, नहीं ये सिर में है। इसको 26 तारीख को दिए मैंने। अच्छा, और अभी तक और अभी तक उन्होंने कोई नहीं करा कुछ भी काम, FIR की कॉपी भी नहीं दी। नहीं नहीं वो पहले दूसरा था, लेकिन दूसरे के बाद में उन्होंने ऐसे साहब ने वो दूसरे के चार्ज में दे दिया, वो भी मतलब लेने देने वाला, नाम की तो मुझे पता नहीं पहले कौन से थे, पहले तिवारी थे क्या? ना 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 ठीक रहा, ये रात आटा ये ये नीचे तक है यार। तुम्हारे भी कुछ है, तुमने दिखा दिए ये नीचे तक, और ये इधर दे ये छोड़, ये रे देखो इनके छर्रे लगे हुए हैं, ये रे ये देखो, ये कपड़े यार 20 कम से कम, ये मेरी बहन के देखो, पथराव भी कर रहे थे, पथराव भी कर रहे थे, फोन भी चला रहे थे वो। इन्होंने इनके बाप ने डंडा लेकर अपने बच्चों को सारों को अंदर को कर दिए, जो भी 2-3 बच्चे थे अपने उन्होंने अंदर को कर दिए, और उनके आगे इसी तरह हाथ जोड़ के भैया जाओ भैया जाओ, मगर उन्होंने एक न सुनी, बदमाश थे 15 बाहर के बुलाए हुए जिसमें 4 पकड़े गए कहीं हैं बदमाश। अब हमें नहीं पता सब पकड़े गए हैं नहीं गए, पुलिस के अधिकारी DCP कह रहे हैं कि किसी सट्टे को लेकर झगड़ा हुआ है। नहीं नहीं सट्टे बट्टे नहीं थे, कमेटी के पैसे थे, कमेटी के पैसों के ऊपर हुई उन्होंने सट्टे की तो लगा ली, मरने वाले के पैसे उस पे हैं, अमरलाल पे 4 लाख नहीं, हमारे हमारे 2 भाइयों के पैसे हैं, एक के 5-6 लाख रुपए हैं, एक के 3.5 लाख रुपए हैं, दूसरी पार्टी के ऊपर, हाँ उनके ऊपर, मन्नान के ऊपर, इसके पास थे कमेटी, इधर इसके पैसे उनके
उनपे मेरे दो भाइयों के पैसे हैं, अब भी उनपे पैसे, इन्होंने पैसे मांगे आपसे पहले भी पैसों के ऊपर। ये तो लोग बना रहे हैं कि सट्टे सट्टे सब, कोई मतलब नहीं। अगर किसी को यकीन पूछना है कि ना हम पे, तो किसे पूछ सकते हैं? इधर इस कमेटी डालता है, कमेटी के पैसे हैं, पता कर लो आप जाके। नहीं इधर इस कमेटी डालता है या नहीं डालता है? दोनों भाइयों की कमेटी थी, दोनों भाइयों की कमेटी के पैसे हैं। वो बड़ी बड़ी कमेटियां डालता है, 10-10 लाख की कमेटियां डालता है, 5-5 लाख की, ऐसे कमेटी थी मेरे भाइयों की। और जिनको भी वो कोई मांगने जाता है ना, जो उनसे कमजोर होते हैं, उनको वो ऐसे ही करते हैं, किसी को कट्टे दिखाते हैं, किसी को चाकू दिखाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। बदमाश किस्म के आदमी, वो सिकंदराबाद के ना, वहां से फरार हुए हैं ना, वो वहां पे मर्डर करके आके फरार हुए। यहाँ है कोई ना, वो अपने से नीचे लोगों को, बड़े लोगों को, सबको डरा के धमका के रहते। जो बच्चा मेरा मरा है शाहिद, उस बच्चे को वहां जाके तुम हिंदू और मुसलमान सबसे पूछ सकते हो किस हिसाब का बच्चा था वो। नू कह रही सारी हिंदनी है, नू कह रही किसी की लड़ाई हो जा, किसी मियां बीवी में लड़ाई हो जा, सबके फैसले कर रहा। इतना बढ़िया लौंडा था, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ। अगर कोई भी अगर मेरे बच्चे की गलती बता दे, वह मेरा बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा होगा। ना मेरी जान कोई बात ना, मेरे दोस्त है कि मुझे ना मान, मेरे छोटे भाई ने क्या चाहता है, उन्हें भाई गोली चल रही है अंदर। अगर पुलिस कार्रवाई करने के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है, अगर पुलिस दूसरे लोगों को आरोपी मतलब गिरफ्तार नहीं करती है, क्या आप प्रदर्शन करेंगे थाने पर? हम करेंगे, सारियों ने कह दिया, हिंदू मुसलमान सब ने। सर एक बात बताऊं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हमने पुलिस से सब कुछ कह दी। तीन दिन हो गए, तीन दिन से अगर पुलिस कार्रवाई करती तो अब तक की पता नहीं कहां से पकड़ भी लेती, कहीं और नहीं है। पुलिस ने दो जने को अरेस्ट किया है, वो खुद गए थे पैसे भरने के लिए, सिलेंडर किया। हाँ नहीं, सिलेंडर नहीं किया, वो पैसे भरने गए थे, पैसे भरने गए थे जब उन्हें पकड़ा है वहां पर, और बाकी आरोपी नहीं पकड़े जाते। आप थाने पर या डीसीपी ऑफिस पर या रोड रोकेंगे प्रदर्शन? हाँ रोड प्रदर्शन करेंगे हम, जब तक हमारे भैया को इंसाफ नहीं मिलेगा हम करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। रईसा जी, आपके पोते के लगी है, हाँ ठीक। क्या कारण रहा कि लाइक ऐसा अचानक इस क्षेत्र में गोलीबारी हुई और ये चीजें? गोलीबारी हुई, इन लोगों ने अंत बहुत उतार रखी है। अच्छा, मैं तो आज मर जाऊंगी, कल दूसरा दिन है, मेरे बच्चे ना मरे जी, मैं ये होने नहीं दूंगी यहाँ पे। रहे सवाल ये, इसका भाई एक इदरीस मार रहता है मेरी गली में, इतना गंद बकता है कि कानों में आप उंगलियां दे लोगे। उसका लड़का इतना मारता है माँ को सुबह ही कि सब सोते उठ जाते हैं। ये एक मकान मेरा यहाँ, ये इसकी बीवी मेरे किराएदारों को परेशान करती है। हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं चाहते झगड़ा। आपको कैसे लगी है? मैं अपने दादा के घर से आ रहा था, गली पार करते थे जाती, यहाँ पे गोलियां चल रही थी, मैं भागने लगा, मेरे कुछ आके हाथ मुंह पे लग गया, वहाँ चक्कर खा के वहीं गिर गया था। कौन लोग थे जो गोलियां चला रहे थे? मन्नान और जावेद थे और जमाल। अच्छा, उनके फादर है? हाँ, मैं बच्चे का फादर। अलीमुद्दीन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई नहीं करी, नहीं, क्या कमियां रही ऐसे पुलिस ने, क्या ऐसा किया जैसे आप नाराज हैं पुलिस को लेकर? पुलिस को लेके नाराज तो यूं है कि पुलिस उसी के मतलब कहने का बोलती है, उसी की तरफ से बोलती है सारी बातें, कुछ मतलब कहने का खा करके, कुछ पैसा लेकर के, सब कुछ मतलब कहने का, सारी कहानी उसी की मतलब कहने बोलती है। खरीदा कुल मिला के ये है, मन्नान के सपोर्ट में बोलती है पुलिस, आरोपी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, पुलिस उन्हीं की सपोर्ट कर रही है, उन्हीं की सपोर्ट करती है। जब तक वो यहाँ पे गोलीबारी सही से नहीं कर लेता, पुलिस की कार्रवाई होती है बाद में, जब तक वो अपना सारा काम कर लेता है। मतलब पुलिस ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लॉकडाउन के अंदर जो बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था गली के अंदर, वो यहाँ पे धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, जो सड़क पे चुड़िया का बच्चा नजर नहीं आ रहा था, धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, धाए धाए करके गोलियों की आवाज आ रही थी, दिवाली बम पटाखे फूटते हैं। क्षेत्र के लोग क्या इसके ऊपर पहले से नहीं शिकायतें करते हैं कि पुलिस को? क्षेत्र के लोग तो बड़े बेचारे शरीफ लोग हैं, पुलिस से भी डरते हैं, मतलब कहने का बदमाशों से भी डरते हैं। आपका कहना है कि जिस दरमियान गोलीबारी हुई जी, उस दरमियान कोई हथियार मौका वारदात से मिला मौके और जिसे पुलिस ने हैंडओवर कर दिया मन्नान को, आप ये कह रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पे, मतलब कि ना वो एक क्या नाम है, रिवाल्वर गिरी यहाँ पे, रिवाल्वर गिरते ही पुलिस वाले ने उठा करके जो चला रहा था उसके हाथ में वापस दे दी। क्या नाम हो सकता पुलिस वाले का, जानते हैं क्या? नहीं, मैं पुलिस वाले का नाम तो नहीं जानता, क्योंकि मैं काफी दूर खड़ा था, गोलीबारी में कोई पास तो आएगा नहीं। पुलिस वाले आते उल्टी सीधी लाठी चार्ज करते हैं यहाँ पे, मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा था चीजों को। पुलिस लापरवाही है, हमारे सामने पुलिस वाले रिवॉल्वर देख रहे हैं और छीन नहीं रहे,
ठीक है, उनको भगा दिया मेरा चाचा, ये मेरा मामा, सब गायब हो गए। और जो बच्चा था बेचारा वो तो आके इंसाफ कर रहा था, लेकिन उसे नाजायज मारा गया। इनकी दबंगगर्दी अब से नहीं, बहुत पहले से चली चली आ रही है। और सारे बच्चों को, जितने बच्चे हैं यहाँ के लड़के जमे यंग, उनको बिगाड़ा जा रहा है, उनको इसमें गांजा और गलत काम में डाला जा रहा है। वो भी इतने बच्चों को हैकड़े आ रखी, इतने बच्चों को मन्नान का नाम लेते हैं, मन्नान का नाम लेते हैं कि है मन्नान के साथ में काम करता हूँ। और इसकी अब ऐसा वादा, इन दोनों को निकाला जाए, इसको भी और उसको भी निकाला जाए, ताकि हम लोग परिवार की सारी जो शांति से रह सके। ठीक है ना, आप चाहते हैं माता जी के जो ये अन्नान जितने बदमाश किस्म के आदमी है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे आसपास का माहौल भी कोई मिले तो सही, सही हो और बच्चे पढ़े, मिले तो सही, कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ से निकाला जाए इन लोगों को। भाई सारी माँ बहने आज हमारे घर है, कल उनका घर है, समझे है? उसके देखो हाँ, अपनी अपनी दुकान में गोली मारी उन्होंने खुद नहीं, बहुत गलत हुआ है। और भैया हम इस बात का बड़ा अफसोस है कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ये काम, क्योंकि किसी का बच्चा किसी का लापरवाही आप देखते हैं, लापरवाही सारी पुलिस की है। और किसकी लापरवाही है? पुलिस जब उस लड़की फोन कर रही थी कि आ जाओ उसकी नहीं आए, तो ये पुलिस की तो लापरवाही है, पुलिस ने तो कराई है, पुलिस ने ही कराई सारा काम कि तुम करो और हम आ रहे हैं बाद में, यही हुआ है। अगर और क्या साथ थे, सुना है कि पुलिस वाले भी साथ थे, अगर पहले से आ जाते जो फोन करा तो क्या पता वो बच्चा बच जाता, उसके तीन बच्चे। आरोप लग रहा है कि बदमाशों के साथ खड़ी है। हाँ, बदमाशों के साथ तो भैया सब है, मैं ही क्या सब है, सब खिलाफ है इस बात से कि बदमाशों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सबसे मेन तो पुलिस वालों के साथ होनी चाहिए। जैसे ये कर रहा है आतंक, ये लापरवाही कर रहा है, मान लो अगर आ जाते पुलिस वाले, क्या पता बच्चा बच जाता वो है, छोटा बच्चा। और क्या, हमारा तो बिल्कुल ऐसा समझो कि हमारा बिल्कुल छोटा सा बच्चा ही है। गुंडागर्दी हो रही है, किसी की धीवेटी टक रहा है तो किसी को मार रहा है तो किसी कुछ कर रहा है, ऐसा कैसे होगा बताओ? तुम्हारे पास पैसा तुम जीत लोगे, मेरे पास नहीं, मैं कैसे जीतूंगी बताओ आप? क्या होना चाहिए इनका? मेरा नाम राज है। राज, क्या घटना घटी उस दिन? हमारे घर में फंक्शन चल रहा था, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हमारे सिस्टर सब आई हुई थी यहाँ पे, तो अचानक गोलियों की आवाज़ से आने लगी, काफ़ी आधे घंटे से गोलियाँ चली यहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद तो पूरी गली वाले अंदर ही चले गए थे, उनको पता नहीं चला गली वालों के कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, और बाकी हमारे गली के अंदर ये देखो गोलियों के निशान चले गए, निशान जो है, हाँ, क्योंकि पुलिस वाले, नहीं हमारे घर से कोई घायल नहीं हुआ। बाकी फिर बाद में पुलिस वालों ने मुझे काफ़ी परेशान किया रात भर, उन्होंने अपना धुलवाई करवाई करवाया, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग में एक बार धुलाई करवा दूंगा, तो उन्होंने बोला कि अभी कर दो। अच्छा, बाकी काफी परेशान किया, पूरी रात भर 5 बजे तक परेशान किया था मुझे। नहीं, सबूत तो उनके पास सब कुछ थे, लेके गए वो, सबको इंक्वायरी करके लेके गए। हाँ, शाहिद की त्रिलोकपुरी में जो घटना हुई है बहुत चिंताजनक की बात है, इसको प्रशासन इसको गैंगवार दिखला करके अपनी नाकामी को छिपा रहा है। और मैं कहता हूँ इसमें, इस मामले में संज्ञान गृह मंत्री महोदय को लेना चाहिए और दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को इसमें कुछ संज्ञान लेना चाहिए।